दया का साथ करना, मेरे साथ नहीं पाए। बताइए कैसे हो भाई डियर जीजा जी? अभी तक ठीक था। ठीक हूँ मास्टर, मुझे क्या होगा? तू बता, तू यहाँ अचानक कैसे? माय डियर जीजा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए यहाँ आ गया। तो फोन कर लिया होता, अहमदाबाद से यहाँ धक्का खाने की क्या जरूरत थी? अरे माय डियर जीजा जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं फोन पे नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ आया। अच्छा, क्या ऐसे क्या बात है? वो मैं आपसे बहना के बारे में बात करने आया हूँ। दया के बारे में? हाँ। क्या दया के बारे में क्या बात करनी? कैसे बोलू? कैसे क्या, मुंह से बोल, सब लोग मुंह से ही बोलते हैं भाई। अरे माय डियर जीजा जी, अब समझो, वो मैं क्या है कि माय डियर जीजा जी, बात जरा नाजुक है, मुझे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझानी पड़ेगी। क्या है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में समझानी पड़ेगी। देखिए, ये क्या है? क्या है ये? फोन, मेरा फोन। ओके, ये मेरा फोन है, मैंने यहाँ रखा। और लाइए, आपका फोन दीजिए। नहीं, मैं मेरा फोन नहीं दूंगा। अरे क्यों? अरे क्यों क्या, मेरा फोन लेके तू भाग गया था? अरे माय डियर जीजा जी, मैं आपका पुराना फोन लेकर क्यों भागूंगा? और मैं भागूंगा ही क्यों? अरे माय डियर जीजा जी, मोबाइल की बहुत बड़ी दुकान है, तो मैं उसमें से हमसे कोई भी फोन छीन सकता। मतलब क्या, फोन चुन सकता हूँ क्या? अरे रही है ना माय डियर जीजा जी, मुझे आपको मोबाइल के जरिए कुछ समझाना है। ये मैंने रखा आपका फोन, अब ये मेरा जो फोन है उसमें से मैंने सिम कार्ड निकाल लिया। ओके, और ये मैंने, अरे भाई मेरा फोन क्यों खोल रहा है तू? एक मिनट माय डियर जीजा जी, आपको सब प्रैक्टिकल समझाने पड़ेगा, ये बात बहुत नाजुक है, एक आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, देखो ये मैंने बैटरी निकाली और उसमें से मैंने, देखो ये आपका सिम कार्ड निकाला और आपका सिम निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिया। ये क्या है? सिम कार्ड? नहीं, ये मेरा सिम कार्ड और सालों से मेरे फोन में, अब ये मेरा सिम कार्ड मैं आपके फोन में डाल दूंगा तो क्या होगा? वो आपके फोन में खुशी खुशी चलेगा, फोन आएंगे, मैसेज जाएंगे, वीडियो देखेंगे, सब कुछ होगा कि नहीं? तो उसका क्या क्या कहना चाह रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। आइडिया जीजा जी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से और मन से सुनिए। ओके, देख, अब मेरा सिम कार्ड जो है वो मैं आपके फोन में डाल देता हूँ। ओके, और ये फोन मैंने आपका चालू कर दिया। ओके, तो मेरा सिम कार्ड आपके फोन में मस्त चलने लगा। ओके, हाँ भाई, ओके, तो क्या? लेकिन सिम कार्ड का क्या? क्या सिम कार्ड का क्या? सिम कार्ड का क्या? सिम कार्ड का क्या? अरे सिम कार्ड की भावनाओं का क्या? अरे माय डियर जीजा जी, सिम कार्ड की भावनाओं के साथ हमें कोई लेन देन नहीं। अरे जिस फोन के साथ सिम कार्ड जुड़ा हुआ था उसकी भावनाओं का क्या? क्या बोल रहा है भाई तो, सिम कार्ड, फोन, भावना? अरे सिम कार्ड और फोन तो निर्जीव वस्तु है, उसमें भावना कहाँ से आई? बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिम कार्ड और फोन निर्जीव वस्तु है, उसमें भावना नहीं होती है। तो भावना कहाँ होती है? होगी उसके घर। जीजा जी देखो यार, मैं अभी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, आप मुझे सीरियसली बताइए, भावना कहाँ होती है? भावना इंसान में होती है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि इंसान सजीव है और सजीव में भावना होती है, मतलब इंसान में भावना होती है और भावना के साथ इंसान जुड़ा होता है, समझ गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या बोल रहा है तू? तू क्या जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहा है भाई? सीधा मुद्दा पे आना, सीधी साधी भाषा में समझा भाई प्लीज। मैं आपको समझाता हूँ, सुन, इंसान का जो मूल स्थान होता है, जहाँ पे वो सालों से रहता है, तो वो स्थान के साथ भावना से जुड़ जाता है, पर उसको वहाँ से निकल के दूसरे स्थान पे भी जाना पड़ता है, वहाँ भी वो खुशी होता है, पर क्या होता है,
जो दूसरे स्थान पे हो गया है वहाँ पे वो पहले वाले स्थान के लिए भावुक हो जाता है, और जहाँ वो उसका पहला स्थान है वहीं के लोग उसके साथ भावुकता से जुड़े हुए होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ भावना से जुड़े हुए होते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, टाइम प्लीज भाई। जीजा जी, तूने बात जब भी शुरू की थी तभी क्या कहा था कि मुझे बहना के मतलब दया के बारे में कुछ बात करनी है, बराबर? तो ये पूरी बात में बहना कहाँ है? फोन है, सिम कार्ड है, भावना है, बहना कहाँ है, दया कहाँ है? माय डियर जीजा जी, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात को ध्यान से और मन से सुनिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे पर मन से नहीं सुन रहे, इसलिए ऐसे लोचे हो रहे। इसी बात में माय डियर बहना है, इधर है, इधर है बहना। बताता हूँ, बताता हूँ। मेरी बहना मतलब मेरा सिम कार्ड, अभी सिम कार्ड बहना हो गया। और मेरा फोन मतलब अहमदाबाद, और आपका फोन मतलब गोकुल धाम सोसाइटी। अब मेरा सिम कार्ड जो बहुत सालों तक मेरे फोन में रहा, मतलब कि मेरी बहना बहुत सालों तक अहमदाबाद की पोल में रही, वहाँ बहुत खुश रही, फिर शादी करके वो गोकुल धाम सोसाइटी में आई। मतलब कि मेरा सिम कार्ड मेरे फोन में से आपके फोन में आया, अब आपके फोन में आके आपको खुशी दे रहा है। उसी तरह मेरी बहन गोकुल धाम में आके गोकुल धाम वासियों को खुश कर रही है, खुद भी खुश है। लेकिन हमारे लोगों का क्या, माय डियर चाचा जी, हम लोग हमारी बहन के साथ भावना से जुड़े हैं। मैं, हमारी माँ, बहन की सहेलियां, पूरी पोल बहन के साथ भावना से जुड़े हुए, और हमारी बहन भी मेरे साथ, हमारी माँ के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, पूरी पोल के साथ भावना से जुड़ी हुई है। हमारी भावनाओं का क्या, क्या? मैं वही बोल रहा हूँ माय डियर जीजा जी, कि माय डियर बहना हमारी पोल को बहुत पसंद करती है, और खास करके जब नवरात्रि आती है तो माय डियर बहना को पोल की बहुत याद आती है। एकदम भावुक हो जाती है। एक मिनट, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा है कि ये नवरात्रि में दया अहमदाबाद आए? सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारी माँ की, हमारी पूरी पोल की इच्छा है कि माय डियर बहना नवरात्रि करने के लिए अहमदाबाद आए। और सिर्फ हमारे लोगों की नहीं, बहना की खुद की भी इच्छा है कि इस साल नवरात्रि करने के लिए वो पोल में आए। तो प्लीज माय डियर जीजा जी, इस साल की नवरात्रि करने के लिए माय डियर बहना को पोल में अहमदाबाद आने देंगे। चिंता मत कीजिए माय डियर जीजा जी, नवरात्रि खत्म होते ही बहना वापस मुंबई आ जाएगी, मेरी जिम्मेदारी। बस ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। बस मैं आपका यही बताने के लिए आया था। माय डियर जीजा जी, बताइए ना, अभी मार्केट में कौन सा नया मोबाइल आया है? क्यों, क्या है कि मैं आया हूँ और खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या है कि ये फ्री टीवी वो सब उठा के अहमदाबाद ले जाना बहुत दिक्कत वाली बात है माय डियर जीजा जी। क्या है कि मोबाइल होता है ना तो क्या ऐसा छोटा होता है, ऐसे पटक से जेब में रख दिया और फिर सीधे अहमदाबाद। और क्या है कि जब बहन वापिस आएगी तो उसके साथ मैं मोबाइल वापिस भिजवा दूंगा, क्या है उसमें ऐसा भी नहीं लगे कि मैंने बहना को खाली हाथ भेजा। सब पैक है, कोई नया मोबाइल है? मुझे कोई मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नवरात्रि में मेरी बहना चाहिए। बस अब माय डियर बहना को भेज देना। चलो आपका जो भी निर्णय हो माय डियर बहना को बता देना। ओके ठीक है, थैंक यू, थैंक यू माय डियर जीजा जी। सॉरी, क्या कर रहा है तू? सॉरी माय डियर जीजा जी, सॉरी, टूट नहीं गई ना कुर्सी? सॉरी, आपको नहीं लगा ना? सॉरी, मैं सिम कार्ड बदल देता हूँ। हाँ भाई बदल। सॉरी सॉरी।
बोलिए बोलिए, मुझे पता ही था तेरा फोन आएगा। क्यों? क्यों क्या? मैं शांति से काम करूँ ये तुझे अच्छा नहीं लगता ना? ठीक है, तुम्हें फोन रखती हूँ। रख दे। मैं रख रही हूँ फोन। हाँ रख दे। क्या टप्पू के पापा, मैंने कितने प्यार से आपको याद करके फोन किया और आप ऐसा कर रहे हैं? कैसा कर रहा हूँ? मैं आपसे बात नहीं करती, मैं फोन रख रही हूँ। अरे इसने तो रख दिया। बोलिए। अरे मुझे तो लगा तो मजाक कर रही है, तूने तो सच में फोन रख दिया। बोलिए। अरे बोलिए क्या, आप बोलिए। दिन के बीच में अचानक हमारी याद कैसे आ गई? अरे मुझे तो दिन के बीच में क्या, दिन के आगे दिन के पीछे हमेशा आपकी याद आती है। पर एक आप है कि दुकान में जाके काम में मगन हो जाते हैं। मैं मगन हो जाता हूँ? फिर मगन क्या हो जाता है? अरे मगन यानी वो मगन ख्याल मगन नहीं। हाँ हाँ मालूम, मजाक कर रहा हूँ भाई। और क्या चल रहा है टप्पू के पापा? बस राह देख रहा हूँ। किसकी? तेरी, कि तू कब मुद्दे की बात करेगी। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? मेरे जाने के बारे में। सोच तो लिया है दया, लेकिन लेकिन क्या? तुझे जवाब देने से पहले एक बड़ा सा पत्थर ढूंढ रहा हूँ। आप पत्थर से मुझे मारेंगे? क्या पागल जैसी बात कर रही है तू? अरे भाई बड़ा सा पत्थर ढूंढ रहा हूँ अपने दिल पर रखने के लिए। अरे भाई तुझे मुझसे दूर अहमदाबाद जाने की परमिशन देने के लिए दिल पे बड़ा पत्थर तो रखना पड़ेगा ना। तू टप्पू की पापा, आप मेरे लिए भी एक बड़ा सा पत्थर लेकर आएंगे? क्यों? क्योंकि मैं भी आपसे दूर मेरे दिल पर पत्थर रखकर ही जा पाऊं। अरे नहीं भाई नहीं, तू अपने दिल पे बड़ा पत्थर मत रखना भाई। क्यों? अरे तेरा दिल बहुत कीमती है मेरे लिए, बड़ा पत्थर उस पर रखेगी तो दिल चकदा जाएगा, और अगर तेरा दिल चकदा गया तो मैं तो पूरा का पूरा चकदा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, जिस दिल में आप बसे हो वो दिल कैसे चकदा सकता है? मैं तो कहती हूँ उस पर बड़ा सा पर्वत गिरे ना तो भी वो नहीं चकदाएगा। शुक्रिया, आपके दिल में हमें बसाने के लिए शुक्रिया। और आपको हमारे दिल में बसने के लिए शुक्रिया। वैसे टप्पू के पापा, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ शुक्रिया जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। वाह 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 दया वाह, सच में उम्दा उम्दा विचार प्रकट किया तूने, उम्दा। ये उम्दा विचार माँ का है और माँ के विचार तो हमेशा उम्दा ही होते हैं। माँ तो ऐसे उत्तम विचारों का सागर है, इसलिए मैं माँ के पास जाकर ऐसे उत्तम विचारों के सागर में डुबकी लगाना चाहती। ठीक है जा, तो खुशी खुशी नवरात्रि में अहमदाबाद जा और माँ के ज्ञान के सागर में जी भर के डुबकी लगा। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। लेकिन टप्पू के पापा, आपके बगैर मजा नहीं आएगा। दया नहीं नहीं, वहाँ जाके तू मुझे बिल्कुल याद मत करना, मैं भी तुझे यहाँ याद नहीं करूँगा। क्या तो ही हम अपनी अपनी जगह नवरात्रि का लुत्फ उठा पाएंगे। वाह टप्पू के पापा, क्या उम्दा विचार है, आज तो उम्दा विचार का रापड़ा फटा है ने? तो चलिए चलिए, आपको दुकान में बहुत काम होगा ना, मैं फाइन रखती हूँ। ठीक है चल। एक मिनट टप्पू के पापा। हाँ बोल बोल। Love you. Thank you. बस थैंक यू। हाँ तो चलो मैं फोन रखती हूँ। अरे एक मिनट। क्या है? मुझे भी तुझे कुछ कहना है।
जो भी कहना है जल्दी कहिए, मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ तो ठीक है, तू काम पटा फिर बाद में फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यानी थोड़ा टाइम है, बताइए आपको क्या कहना है। बोलो। हाँ। Love you too. Thank you, thank you तुम्हारे बाबा। चलो बाय। Okay bye. तो पहले जेठालाल को इन्फॉर्म करना चाहिए मीटिंग के बारे में, ना भाई साहब बोलेंगे कि मुझे तो बोला ही नहीं, मैं क्यों टाइम पे आऊं। बोल बोल भाई भिड़े, अचानक आज कैसे याद आई? अचानक नहीं भाई, जब भी सोसाइटी की जरूरी मीटिंग होती है सबसे पहले तुम्हारी याद आती है। क्यों भाई? ना मैं सोसाइटी की कमिटी में हूँ, ना मैं सेक्रेटरी हूँ, ना ही सोसाइटी का ट्राउजर हूँ। ट्राउजर? खजांची। अरे ट्रेजरर बोलते हैं उसको जेठालाल। हाँ तेज थे, इनमें से मैं कुछ नहीं हूँ। फिर सोसाइटी की मीटिंग में सबसे पहले याद तुझे मेरी क्यों आती है भाई? क्योंकि तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए मीटिंग में लेट पहुँचने का, ये तो बाद में तुम ही बोलोगे कि तुमने लेट बताया इसलिए मैं लेट आया। अरे भाई गिन के एक दो बार मीटिंग में मैं लेट आया हूँ, उसमें तो तू मेरा नाम बदनाम कर रहा है दोस्त। एक दो बार भाई जेठालाल, तुम बहुत बार लेट आए हो। अभी लेटेस्ट एग्जांपल वो दिव्य वेशभूषा का कार्यक्रम था, वहाँ भी तुम लेट ही पहुँचे थे। अरे पर तभी बताया था ना भाई, विदेश से फोन आया था मुझे। वो कारण जो भी हो तुम लेट आए थे ना। तो अभी क्या तुझे हिसाब करना है कि मैं मीटिंग में कितनी बार कुल मिला के लेट आया हूँ? मुझे तो लगता है कभी कभी तो मनी मन यही चाहता है कि मैं मीटिंग में लेट ही आऊँ। हाँ तभी तो तू अपनी दिली इच्छा पूरी कर सकता है ना, मुझे ताना मारने की, मुझे सुनाने की, जेठालाल इस बार भी तुम मीटिंग में लेट आए, लेट लतीफ। जेठालाल तुम्हें सुनाने का है, तुम्हें लेट लतीफ बोलने का मुझे शौक नहीं है। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, सोसाइटी की मीटिंग टाइम पे शुरू करना मेरा फर्ज है, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा तो अभी बता ना भाई, अभी क्यों फोन किया है? ओ, मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्या कहाँ? तुमसे बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। अरे वो तो मुझे बोल चुका और मैंने सुना भाई। अरे अभी तुमसे ही बात कर रहा हूँ। वो काय चल रहे, एक बार कह रहे हो तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार कह रहे हो तुमसे ही बात कर रहा हूँ, नक्की कौन सी बोलता है? एक मिनट। क्या एक मिनट? जेठालाल तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, माधवी को बोल रहा हूँ। एक मिनट माधवी, एक मिनट रुको। जेठालाल अब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो भाई तूने जेठालाल बोला तो मुझसे ही बात करेगा ना, माधवी भाभी को जेठालाल बोल के थोड़ी बात करेगा। हाँ तो अभी मैं ये कह रहा था कि शाम को मीटिंग में जल्दी आ जा। ठीक है, किस लिए मीटिंग है भाई? वो सोसाइटी के संबंधित एक जरूरी निर्णय लेना है जो सबकी सम्मति से लेना है। अगर मैं अकेला निर्णय ले लूंगा तो तुम लोग ही बोलोगे ना कि अकेला निर्णय क्यों लिया, सबकी राय क्यों नहीं ली। तो बराबर है, तो बोलेंगे ही ना भाई। हाँ तो इसीलिए मीटिंग रखी है, तो मीटिंग में आ जाना। वैसे क्या मीटिंग का एजेंडा क्या है? अजंठा, एलोरा, एलिफंटा सगळं तुम्हाला कळेल, तुम्ही वेळेवरती मीटिंग मध्ये या। वा वा विनोदराव भिडे, वा गुफाओं में घुस घुस के विनोद कर रहे हैं आज आप है? चला चला हिस्ती वे, शाम को मीटिंग में मिलते हैं। हाँ चलो बाय बाय। हाँ हाँ भाई आ जाऊँ। चल ठीक। क्या माधवी फोन पे था ना मैं? तो एक मिनट फोन पे हाथ रख के मुझसे बात कर लेते, उसमें क्या, मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो बताया नहीं? क्लब हाउस जा रही हूँ गरबा प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ पता है बबीता जी के फॉरेन की फ्रेंड्स आए हैं, वो भी हमारे साथ गरबा सीखेंगे, मज्जा। ओह अच्छा है, क्या बात है, कौन सिखा कौन रहा है? टप्पू और सोनू। टप्पू और सोनू साथ में सिखा रहे? हाँ। वो दोनों मिलके सिखा रहे? हाँ। अरे दोनों को साथ में सिखाने की क्या जरूरत है? ओ बाबा आप उन दोनों को लेकर फिर से चालू मत हो जाना, वो दोनों लेटेस्ट ट्रेंड जानते हैं इसलिए हमें सिखाने वाले हैं, कर लो। लेकिन माधवी वो लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आपको साथ में चलना है तो चलिए। नहीं नहीं मुझे नहीं आना, तुम जाओ। और आप अभी शांति से बैठेंगे, भलते सलते कोई भी विचार नहीं करेंगे, बरोबर? तो ये साथ में मिल ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, ताशे बजाइए, बिगुल बजाइए, क्योंकि आज आपके और हमारे साथ की हो रहे हैं 2300 एपिसोड्स पूरे। जी हाँ, मस्ती भरे, ठाको भरे, खुशियों भरे और मुस्कुराहट भरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 2300 एपिसोड्स। मस्ती, खुशी और हंसी का यह सफर यही जारी रहेगा जब तक आप हम मिलके हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मित्रों यहाँ नवरात्रि में गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाली है गरबा की प्रैक्टिस, हमारे विदेशी मेहमान सीखेंगे गरबा, आप भी आइए
उनके साथ गरबा सीखिए और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए। और हाँ, एक विशेष बात, 2300 एपिसोड्स पूरे होने की खुशी में इस शनिवार की रात भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक स्पेशल एपिसोड ठीक 8:30 बजे, और नवरात्रि में गरबा की प्रैक्टिस के लिए चले आइए गोकुल धाम में और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.